सुबह उठते ही जब मैंने अपने घर से बाहर देखा तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। शूट किया और देखा कि अप्रैल महीना अपने साथ हरियाली, कुछ पेड़ पौधे, नए फूल पत्तियां लेकर आया है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण लग रहा था, इसलिए मैंने शूट किया। तो इस तरह से अप्रैल महीने के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मेरे दो प्रिय मित्रों से भी मुझे मिलना है और हमने तय किया है कि हम जाएंगे आज कलात और एक स्कूटी राइड पे। तो चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग पे। नमस्ते जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और बार आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ जुड़ चुकी है आज मेरे साथ टैशी कारपा और हम जा रहे हैं आज कलात की तरफ नहाने हॉट स्प्रिंग में। और यहाँ हम हंस इसी ले रहे हैं क्योंकि इस हंसी के पीछे वजह है डर। और डर क्या है, क्योंकि हमारी जो स्कूटी है उसका ब्रेक में थोड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ पर टैशी कारपा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और वो तो मस्त होके चल रही है, लेकिन हमारी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम है और ब्रेक लगा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद रुक रही है स्कूटी। तो हमने कलात पहुंचने तक काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को पार किया और कैसे कैसे पार किया वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। Women. उसके साथ बचते ना अंदर, इतनी बेइज्जती हो रही थी ना इससे। सारे पंजाबी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं किलात। फिर आपको कैसा लगा पहुंच के? ये मेरा दूसरा घर है। तुझे पता है हमारा एक्सीडेंट होने वाला था गधे के साथ हैं? तुझे वीडियो बनाया है? हाँ, गधा भी। हाँ, अब आए हम जायरू का पानी लेने। अब हम ये भरेंगे 3 बोतल। और हमने 3-4 घंटे नहाने के बाद अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा किया और उसके बाद हम चले गए कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और जैसे कि आप देख सकते हो टैशी कारपा कुछ ज़्यादा ही हमसे फास्ट चल रही है। इसको याद नहीं है कि इसका ब्रेक फेल है। तो चलो चलते हैं कुछ कुछ पेट पूजा हो जाए क्योंकि अब 4 घंटे हो गए। अब अरे बाहर यहाँ टेबल छूटा है। हम आए हैं आंगमो द ढाबा। 2 मीट वाले, हाँ 2 नॉन वेज हो ना, और वो करो हाफ घ्यूमा करना। तो आपको कैसा लग रहा है सलमान खान के साथ मिलके? सलमान खान पीछे देखो। हाय सल्यू। रुक जा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मनाली 4 घंटे के बाद। A heart.
at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. हो रही है हमारे डिनर की तैयारी। बाजी ने स्टफिंग तैयार कर दी है। स्टफिंग में आपका मौजूद है पनीर, प्याज एंड गार्लिक, समहाउ ये भी डाल दिया है, क्या बोलते हैं इसको, जीरा वगैरह, अजवाइन वगैरह, और हमारा आटा भी रेडी है यहाँ पर, और मोमो बनाएंगे। और ये है मेरी सुंदर बहन। हाँ, किसका टांग? तो ये काजी मोमो बनाई। चलो, किसका टांग निकाला है? वो फ्रिज का है। किसका? फ्रिज का स्टैंड। तो क्या मंगाया है ईशु? अम्मी ने क्या मंगाया? अम्मी ने मंगाया है फ्रिज का टांग। किसका टांग? फ्रिज का। हाँ, तो अब देखते हैं हम क्या है वो टांग? क्या टांग? अब गाइस पता नहीं क्या टांग मंगाया है मेरी माँ ने, और उसको देखते हैं क्या टांग है ये। निकालो टांग। तो ये मंगाया है टांग, जिसमें टायर भी है। फ्रिज को फिर अपने ससुराल से माइके, माइके से ससुराल ले जा सकते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। पंजा ले जाना है अपने फ्रिज। यो हनी सिंगर। तो ये मंगाया है फ्रिज का स्टैंड। बाहुली लैंग्वेज में बातें कम करते हैं और अपना जो वॉइस क्या बोलते हैं उसको, साउंड इफेक्ट ज्यादा देते हैं। जैसे कुछ चीज गिर गया तो ऐसे नहीं बोलते कि वो चीज गिर गई, दू ठोंग फोंग शुई। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट बोलती है, तो देखना क्या क्या कर रही है मम्मी। ट्राइंग नहीं हुआ, देख क्या पहले हुए। तो कोई नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, मैं करती हूँ, अपुन करेगा। तो गाइज हमारा हो गया प्लान कैंसिल। क्यों हो गया? हमने पनीर का मोमो बनाना है। चलो फिर बनाते हैं, ये कल करेंगे क्योंकि इसमें बड़ा स्यापा लग रहा है। कोई नहीं, इसको रात को ही करेंगे। माता जी, मोमो कैसे लगे आपको? यो हनी सिंह, अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं नहीं कह रहा, मेरी इज्जत करो। अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडीर थे तो और सोन परी आई आई, देखो सोना सोन परी आई। तो हमारी सोन परी को कैसा लगा मोमो मैंने बनाया अपने हाथों से? जी जोर से बोल थोड़ा। ठीक है, ट्राई करते हैं। और ये मेरी तरफ मिग लोग देते हुए। कुछ बोलना चाहते थे? तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, घर हूँ तो देखते हैं। अगर मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच में आउटिंग जाऊंगी तो फिर डाल दूंगी। और क्या, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा करोगे अपने लाइफ में, और अच्छा करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। तो बाय बाय।